Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की राधिका मर्चेंट के साथ धूमधाम से शादी हुई। शादी के बाद हुए शुभ आशीर्वाद समारोह में बड़ी बड़ी हस्तियों और दिग्गजों ने हिस्सा लिया। इस समारोह के कई अलग अलग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उन्हीं में से एक वीडियो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य को झुककर प्रणाम किया और अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती उन्हें हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हुए भी नजर आए। दरअसल इस वीडियो की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए नजर आए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ज्योतिर्मठ ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ज्योतिषी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 जी महाराज का आशीर्वाद। इसी तरह अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल इस वीडियो को अलग अलग कैप्शन के साथ अपने तरीके से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। आपको याद होगा कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कई ऐसे बातें कही थी जिस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थी। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा था कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अधूरे मंदिर में की जा रही है जो धार्मिक शास्त्रों के विरुद्ध है। शंकराचार्य के इसी बयान को उस वक्त पीएम मोदी की आलोचना से जोड़कर देखा गया था। हालांकि बाद में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पीएम मोदी की तारीफ करते हुए भी नजर आए थे। उन्होंने तब कहा था कि सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं को आत्म जागरूक बना दिया है जो कोई छोटी बात नहीं है। हमने सार्वजनिक रूप से कई बार कहा है कि हम मोदी विरोधी नहीं है बल्कि उनके प्रशंसक हैं। अयोध्या के उस मामले के बाद से जब पीएम मोदी और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की मुलाकात हुई तो सोशल मीडिया पर इसकी काफी चर्चा हो रही है। न्यूज़ तक ब्यूरो।